Here is exercise number 5.3, question number 4. Question number 4 is, numbers 1 to 10 are written on the separate slips. यहाँ slips हैं, छोटी छोटी ऐसी slips बनाई गई हैं, cards मान लीजिए, total 10 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और इनके ऊपर अलग अलग डिजिट्स 1 to 10 लिखी हुई है। अब कह रहा है वो कैप्ट इन द बॉक्स एंड मिक्स्ड वेल, इनको ऐसे एक बॉक्स में रख दिया है इन स्लिप्स को और मिक्स कर दिया है इसे, और मिक्स करने के बाद इनमें वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, इसके अंदर बिना जाके हमें एक स्लिप चूज करनी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6? 6 फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी यदि हम इस बॉक्स में से 6 नंबर वाला डिजिट पिक करें, लेकिन हमें देखना नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या था, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम 6 है, लेकिन 6 कितनी बार है इसमें, 6 वन टाइम ही है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं, कितने हमारा हाथ जो है हम देख नहीं रहे उस बॉक्स में, लेकिन हमारा हाथ तो पूरे 10 को ही एक बार टच करेगा, फिर अपन एक उसमें से स्लिप निकालेंगे ना, तो वो 6 आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 1/10, 1/10 है, मतलब 10 में से एक पार्ट 6 आने की प्रोबेबिलिटी है। अगर ये 7 आने की प्रोबेबिलिटी भी पूछता तो 1 ऊपर आता, अगर 9 आने की प्रोबेबिलिटी भी पूछता तो 1 ऊपर ही आता। तो कोई भी इन 10 में से 1 डिजिट पिक करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/10 है, अगर टोटल स्लिप्स 10 है तो। सेकंड है इसका, दिस इज पार्ट 1, सेकंड पार्ट इज गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो 6 से छोटा नंबर आने की जो डिजिट्स हैं वो फेवरेबल कहलाएंगी, और वो फेवरेबल कितनी हुई, 5। तो सेकंड वाला का मैं इसी में ही कर रहा हूं, सेकंड वाला पार्ट फेवरेबल कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट्स अपॉन टोटल आउटकम्स 10, और ये कट जाएगा, 1/10 तो कट नहीं रहा था, ये कट जाएगा, 5 और 5 2 10, 1/2। गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ग्रेटर देन 6, थर्ड वाले के लिए आइए, ग्रेटर देन 6 कह रहा है, तो ग्रेटर देन 6 के लिए कितनी हमारे जो है फेवरेबल आउटकम्स हुए, टोटल 4 आउटकम्स हुए फेवरेबल, तो 4 न्यूमरेटर बनेगा और टोटल आउटकम्स 10, तो इसको भी हम काट सकते हैं, 2 के टेबल से 2 2 4, 2 5 10, 2/5। गेटिंग 1 डिजिट नंबर, लास्ट इज गेटिंग 1 डिजिट नंबर, हमें 1 डिजिट नंबर फाइंड करना है। अब आप जानते हैं 1 डिजिट नंबर, दिस इज 1 डिजिट नंबर, दिस इज 1 डिजिट नंबर, दिस इज 1 डिजिट नंबर, 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 और ये कितने डिजिट है, ये 2 डिजिट नंबर है, 1 and 0, दिस इज 2 डिजिट नंबर।
और 1 to 9 वन डिजिट नंबर है। तो हमें फोर्थ वाले में वन डिजिट नंबर फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हुए जिनके नीचे वन सिंगल राइट लगा रखा है, वो वन डिजिट नंबर है। तो वन डिजिट नंबर है 1 to 9 एंड दीज आर इन काउंटिंग 9 अपॉन टोटल आउटकम्स 10। दिस इज प्रोबेबिलिटी टू फाइंड वन डिजिट नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, इसको आप कॉपी कर लीजिए। If you have a spinning wheel with 3 green sectors, next question है, spinning wheel में 3 green sectors हैं। एक wheel है ऐसा, सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स बना रखे हैं इसमें, ये ग्रीन सेक्टर्स, ग्रीन कलर है इनके अंदर, वन ब्लू सेक्टर है और वन रेड सेक्टर है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर? और सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर? पहले तो ग्रीन सेक्टर, तो प्रोबेबिलिटी वही फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। Favorable how much? Green are 1, 2, 3. 3 sectors are green. And total outcomes? 1, 2, 3, 4, 5. 3 upon 5. To getting green sector, there is a probability 3 upon 5. And non-blue sector. अब नॉन ब्लू सेक्टर, ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1। और नॉन ब्लू, दिस इज नॉन ब्लू, दिस इज नॉन ब्लू, दिस इज नॉन ब्लू, दिस इज नॉन ब्लू, तो नॉन ब्लू कितने बार आ सकता है? ये फर्स्ट, ये सेकंड, नॉन ब्लू कितनी बार आ सकता है? प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग नॉन ब्लू, नॉन ब्लू का मतलब ब्लू नहीं आना चाहिए, तो ब्लू वन टाइम है, तो नॉन ब्लू कितने टाइम हो गए? 1, 2, 3, 4 टाइम्स। तो नॉन ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी 4 upon 5। दिस इज आवर आंसर। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, उसमें भी आप ऐसा फॉर्मूला लगाकर प्रोबेबिलिटीज फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हर बार आपको प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स वाला फॉर्मूला अप्लाई जरूर करना है। दिस इज आवर एक्सरसाइज नंबर 5.3। वी विल डिस्कस नेक्स्ट एक्सरसाइज टुमारो।